अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ग्रीन फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ। इस ग्रीन मास्क को आप ईद स्पेशल मास्क भी समझ सकते हैं। मैंने ये ग्रीन मास्क किस तरह से तैयार किया है ये मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले इसके बेनिफिट्स और इसके रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस ग्रीन मास्क के अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करूँ, तो इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, के, B1, B2, B6, आयरन, फैटी एसिड्स वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कम्प्लेक्शन को क्लियर करता है। ये ऑयली और ड्राई दोनों स्किन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर जो विटामिन के है ये आपकी स्किन से डार्क सर्कल्स को, डार्क स्पॉट्स को, इन्फ्लामेशन को, एक्नी को रिमूव कर देता है। एक्नी प्रॉन स्किन वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक्नी को ख़त्म करके स्किन को फ्रेश और ग्लोई बनाता है। इसके अंदर विटामिन बी है जो कि आपको सन डैमेज से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और इसको आपने सिर्फ अपने फेस पर ही अप्लाई नहीं करना, आप इसको अपनी फुल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अंदर जो विटामिन ए है वो आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। ये एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसके अंदर पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। स्किन को यंगर बनाता है, रिजुविनेट बना देता है और आपके स्किन का जो डैमेज है ये उसको रिपेयर करता है। आपके कम्प्लेक्शन को बहुत ब्राइट, बहुत फेयरर बना देता है। यहाँ पर आपको इसके रिजल्ट नजर आ रहे होंगे। और सन डैमेज जो है आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपको यूवी रेजेस जो होती हैं, जो हार्मफुल यूवी रेजेस होती हैं, ये उनसे प्रोटेक्ट करके आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत रेडिएंट वाला ग्लो प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप इसके रिजल्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस ग्रीन मास्क को किस ग्रीन पाउडर से तैयार किया है। लेकिन ये जो ग्रीन पाउडर आपको नजर आ रही है किस चीज का पाउडर है ये मैं अब भी आपको वीडियो के एंड में ही बताऊंगी ताकि आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो जनाब आपने ये जो ग्रीन पाउडर है ये आपने अपने फेस के मुताबिक ले लेना है। 1 टीस्पून इनफ होता है, ठीक है, आपके फेस के लिए, नेक के लिए अगर आप लेते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऐड करना है हनी का। अगर हनी आपकी स्किन को इरिटेट करता है तो आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल भी ऐड कर लेना है, तो उसके बाद आपकी स्किन को हनी इरिटेट नहीं करता। फिर आपने इसको मिक्स करना है दूध के साथ। दूध आपकी मर्जी है, कच्चा ले लें या बॉयल मिल्क ले लें, कोई भी आप ले लें। उसके साथ आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, और उसके बाद आपका ये ग्रीन फेस मास्क जो है ये हो जाता है जनाब तैयार। और इसके रिजल्ट्स आप ऑलरेडी मेरे फेस पे, मेरे हाथों पे देख चुके हैं गाइज। अगर आप इसको ईद तक अप्लाई करते रहते हैं ना, तो सीरियसली आपको अपनी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको कोई दूसरी चीज अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना पावरफुल ग्रीन मास्क है। अब बताते हैं जनाब इसको मैंने किससे बनाया। तो ये है पोपाया स्पिनिच पाउडर, ये चिल्टन प्योर का पाउडर है। बेसिकली ये है पालक का पाउडर, ठीक है। तो पालक का पाउडर आपके पास होना जरूरी है। किस कंपनी का है, किसका नहीं है, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूं। पालक का पाउडर आप घर पर भी बना सकते हैं। आपने पालक के पत्ते लेने हैं, उसको आप धूप में ड्राई करें और उसके बाद आप उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप फ्रेश लीव्स भी ले सकते हैं, आप उसको क्रश करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप पपाये का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आपने ज़रूर ज़रूर ये रेमेडी जो है वो आज़मानी है। इसके हैरान कन रिजल्ट्स हैं। मैंने सुना हुआ था कि स्पिनिच जो है ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बट मैंने इसको ट्राई करके देखा, इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ इसे शेयर किया है।